स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कई सालों से चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बना हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में मिले डेटा के अनुसार अब यह स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, जहां भारत ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में ओवरटेक कर लिया है। 19 अप्रैल 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिक होती है, जिसके मुताबिक इंडिया में अब चाइना से 2.9 मिलियन ज्यादा लोग मौजूद हैं और भारत की करंट पॉपुलेशन 1.4286 बिलियन है। भारत की आजादी के समय चाइना पॉपुलेशन के मामले में भारत से काफी आगे हुआ करता था, लेकिन पिछले 7 दशक में एक तरफ भारत की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने वन चाइल्ड जैसी पॉलिसीज लाकर अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर लिया। इसके चलते अब चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। यूनाइटेड नेशंस का ऐसा अनुमान है कि साल 2050 तक चाइना अपनी पॉपुलेशन में से 30 मिलियन लोग रिड्यूस कर देगा। इसके मुकाबले भारत 200 मिलियन लोगों को अपनी पॉपुलेशन में ऐड करेगा। लेकिन भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के सभी रीजन्स में सेम नहीं रही है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन ने सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन देखा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इन प्लेसेस में नेशनल एवरेज से ज्यादा मौजूद फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि विमेन अपनी लाइफ टाइम में ऑन एन एवरेज कितने चिल्ड्रन को जन्म देती है। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.05 है। वैसे तो इंडिया के मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स इस नेशनल एवरेज के आसपास का फर्टिलिटी रेट रखते हैं, लेकिन हमारे नॉर्दर्न पार्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर 2019 का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी रेट 2.4 तो ये बिहार का फर्टिलिटी रेट 3 है। यानी 2050 तक भारत की पॉपुलेशन में जिन 200 मिलियन लोगों का एडिशन होने वाला है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं कुछ स्टेट्स से आएगा। लेकिन सिर्फ फर्टिलिटी रेट नहीं, बल्कि इन स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी भी नेशनल एवरेज और सदर्न स्टेट से काफी ज्यादा है। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल में 1028 तो उत्तर प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। इसके ऑपोजिट साउथ इंडियन स्टेट्स को अगर देखा जाए तो इंडिया के सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट महाराष्ट्र में पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 365 लोग रहते हैं। कर्नाटका में पॉपुलेशन डेंसिटी 319 तो वहीं आंध्र प्रदेश में 308% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत की पॉपुलेशन में रीजन्स के अकॉर्डिंग ये इम्बैलेंस क्यों एग्जिस्ट करता है। अगर हम इंडिया के मैप पे इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करें तो ये लाइन भारत की पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन सिर्फ इस लाइन के ऊपर रहती है और ये लैंड एरिया इंडिया के टोटल लैंड एरिया का काफी छोटा हिस्सा है। आज के हमारे वीडियो डिस्कशन में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया की आधी पॉपुलेशन सिर्फ इस हिस्से में रहना पसंद करती है। दोस्तों, वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के ज्योग्राफी सबसेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लाइन के अबव वाले रीजन्स में हाई पॉपुलेशन के सेटल होना इतिहास में बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बाद अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के फुटप्रिंट सबसे पहले गंगा रिवर के फर्टाइल प्लेन्स के अराउंड एस्टैब्लिश हुए, जहां उन्होंने वैदिक संस्कृति पर बेस्ड कल्चर, ट्रेडिशंस और बिलीफ को शेयर करने वाले लोगों की सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। शुरुआत में ये सोसाइटी स्मॉल विलेजेस के रूप में फली फूली, लेकिन वक्त के साथ यहाँ टाउन्स और फिर छेदी, येदु और पुरु जैसे साम्राज्यों का जन्म हुआ। लंबे समय तक ये किंगडम्स बिना किसी मेजर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के फ्लरिश हुए, लेकिन 6th सेंचुरी BC के करीब इन सेटलमेंट्स का फर्दर ईस्टर्न साइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसका मुख्य कारण था इंडियन मेनलैंड पर हुआ पर्शियन इन्वेजन। साइरस द ग्रेट और डेरियस वन जैसे पर्शियन किंग्स ने इन इन्वेजन्स को लीड किया और उन्होंने इंडस वैली रीजन को कंकर करके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाले इलाकों में अपने आर्कमेनिड एम्पायर के एक्सटेंशन को एस्टैब्लिश किया, जिसके चलते इन रीजन्स पर रह रहे लोगों को आज के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में इमिग्रेट करना पड़ा। इसी तरह 4th सेंचुरी BC के बाद इंडो ग्रीक्स और सेंट्रल एशिया से आए हंस जैसे कई बाहरी आक्रमणकारियों ने नॉर्थ इंडिया को इन्वेट किया, जिसके चलते लोगों का पलायन फर्दर ईस्टर्न साइड में होने लगा। इन इलाकों में आने पर उन्हें खेती बाड़ी के लिए बड़ा फर्टाइल लैंड मिला, जो उनके यहाँ परमानेंटली इस्टैब्लिश होने का कारण बना। साथ ही यहाँ कई प्रकार के मिनरल्स भी मौजूद थे जिनका इस्तेमाल उस दौरान वेपन्स बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे मेजर डेवलपमेंट आया 7th सेंचुरी कॉमन एरा में, जब इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हुआ। इस्लामिक इन्वेडर्स ने ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया को कंकर किया, बल्कि वहां वो सेटल भी होने लगे। इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत अरबों के साथ हुई। इसके बाद 11th सेंचुरी में
तुर्क्स भारत में आए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर इन्वेडर्स नॉर्थ इंडिया में ही इन्वेड करके सेटल क्यों होते थे। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रीजन थे। सबसे पहला कारण था नॉर्थ इंडिया की स्ट्रेटजिक लोकेशन, क्योंकि इंडिया का ये हिस्सा एशिया के क्रॉस रोड्स पर स्थित था। इन्वेडर्स इस हिस्से को एक आर्मी बेस की तरह इस्तेमाल करते थे और फिर यहीं से एशिया के दूसरे हिस्सों में कॉन्क्वेस्ट को लॉन्च करते थे। दूसरा कारण था नॉर्थ इंडियन रीजन की वेल्थ। इंडिया उस समय पर एक धनी देश के रूप में जाना जाता था और लोग अपनी सारी जमा पूंजी मंदिरों में इकट्ठा करके रखते थे। इन्वेडर्स नॉर्थ इंडिया के रीजन्स में अटैक करके टेम्पल्स में लूटपाट करते थे और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते थे। इन्वेजन्स का तीसरा रीजन था एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेजेंस होना। इंडिया कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ करता था और इनको यूनाइटेड रूप से कोई भी किंग रूल नहीं करता था। उदाहरण के लिए मौर्य एम्पायर के टाइम पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेजन्स कॉमन नहीं थे। लेकिन हिस्ट्री के लेटर पार्ट्स में वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होने की वजह से इन्वेडर्स के लिए इस एरिया को जीतकर कंकर और कंट्रोल करना आसान हो गया था और एक एक करके वो वहाँ सेटलमेंट्स स्टैब्लिश करने लगी। इन रीजन्स में इन्वेडर्स के सेटल होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था फर्टाइल प्लेन्स की अवेलेबिलिटी। दोस्तों, ऐसे लैंडफॉर्म्स जिनका एलिवेशन सी लेवल से लेकर 500 फीट तक होता है उन्हें प्लेन्स कहा जाता है। प्लेन्स को फ्लैट लैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जिसमें एलिवेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। प्लेन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कोस्टल प्लेन्स, एबिसल प्लेन्स, लैकस्ट्रीन प्लेन्स एक्सेट्रा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में रिवर से बने हुए फ्लड प्लेन्स की अबंडेंस है, जो यहाँ इतनी सारी सेटलमेंट का मेन रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे रीजन को पंजाब प्लेन्स और गैंगेटिक प्लेन्स डोमिनेट करते हैं। ये प्लेन्स रिवर्स, ग्लेशियर्स और विंड के द्वारा डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट से पूरी तरह कवर्ड है और इस लैंडफॉर्म के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल लैंडफॉर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पर रिच सेडिमेंट्स का डिपॉजिट पाया जाता है। इसी कारण की वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए एकदम आइडियल प्लेस बन जाता है और इंडिया का काफ़ी सारा मेजर फूड क्रॉप इसी रीजन में उगाया जाता है, क्योंकि उस दौरान लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन फार्मिंग हुआ करता था। इसलिए ज़्यादातर लोग इस फर्टाइल लैंड के इन एंड अराउंड ही सेटल हुए। प्लेन्स का फ्लैट टेरेन ट्रैवलिंग को काफ़ी इजी बना देता है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पर घरों को डेवलप करना आसान होता है। साथ ही साथ एलिवेशन में ज़्यादा डिफरेंस ना होने के कारण क्विक ट्रांसपोर्टेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लेन्स वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट कर पाते हैं और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से सेटलमेंट के लिए प्लेन्स सबसे अच्छे लैंडफॉर्म माने जाते हैं। दोस्तों, इस लाइन के अबव मेजर इंडियन पॉपुलेशन के सेटल होने का एक प्रोमिनेंट रीजन है यहाँ मौजूद पंजाब प्लेन्स और गैंगेटिक प्लेन्स जैसे दो फर्टाइल और वाटर रिच प्लेन्स का पाया जाना, जो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ इजी बना देते हैं। दोस्तों, एंशियंट टाइम से ही भारत में जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तब तक देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के सहारे ही अपना पालन पोषण करती थी। इसके चलते वो खुद ब खुद इन प्लेन्स की तरफ खींची चली आई। पंजाब प्लेन्स एलुवियल प्लेन है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पंजाब प्लेन्स अपने नॉर्थ में शिवालिक रेंज से, ईस्ट में यमुना रिवर से, साउथ में राजस्थान से, नॉर्थ वेस्ट में रवि रिवर से और साउथ वेस्ट में सतलुज रिवर से घिरा हुआ है। ये प्लेन्स इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज यानी झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज से मिलकर बना है। इतनी सारी नदियों की वजह से पूरे पंजाब प्लेन्स कुल मिलाकर 5 दोआब्स में डिवाइडेड हैं। दोआब ऐसे रीजन को कहते हैं जो दो रिवर्स के बीच में मौजूद होते हैं और ये रीजन्स अपनी फर्टिलिटी के लिए जाने जाते हैं। पंजाब प्लेन्स में मौजूद दोआब्स हैं इंडस और झेलम नदी के बीच सिंध सागर दोआब, रवि और चिनाब नदी के बीच रचना दोआब, ब्यास और सतलुज रिवर के बीच बिस्त दोआब, ब्यास और रिवर नदी के बीच बारी दोआब और चेनाब और झेलम नदी के बीच छाज दोआब। दोआब्स दुनिया के सबसे फर्टाइल रीजन्स माने जाते हैं क्योंकि रिवर द्वारा कैरी किए जाने वाले डिपॉजिट्स इसमें मौजूद होते हैं और इसके चलते ये एशिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन भी है। पंजाब प्लेन्स वीट, राइस, मेज, शुगर केन और कॉटन जैसी कई सारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। फूड क्रॉप्स के अलावा एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज, ग्रेप्स, टोमेटोज, पोटैटोज, अनियंस और कॉलीफ्लावर जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी यहाँ उगाए जाते हैं। सिमिलरली, गैंगेटिक प्लेन्स नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद हैं और दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है। गैंगेटिक प्लेन्स गंगा रिवर के एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्म हुए हैं। गंगा रिवर हिमालयास से निकलती है जो अनंत काल से बह रही है और अपने अंदर हिमालयास के सेडिमेंट्स को कैरी करके प्लेन्स में डिपॉजिट करती है। इस सेडिमेंट की वजह से गंगा प्लेन्स के रीजन में सॉइल एक्सट्रीमली फर्टाइल हो चुकी है।
जो एग्रीकल्चर के लिए एकदम सूटेबल है। इसके अलावा गंगा यमुना दोआब जैसे कई सारे दूसरे फर्टाइल लैंड भी इस रीजन में मौजूद है। ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए काफी हद तक रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ इरीगेशन के लिए भी काफी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए कई सारे डैम्स, कैनाल और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल यहाँ पर साल भर इरीगेशन के लिए किया जाता है। फेवरेबल क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल के चलते राइस, वीट, मेज, शुगरकेन, जूट, पल्सेस और ऑयल सीड्स जैसी कई सारी क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं। लेकिन गंगा प्लेन में सबसे प्रोमिनेंट है राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। खरीफ सीजन यानी मॉनसून सीजन के दौरान राइस उगाया जाता है और रबी सीजन यानी विंटर सीजन के दौरान वीट प्राइमरी क्रॉप होती है। इस रोटेशन की वजह से दोनों सीजन्स के दौरान वाटर अवेलेबिलिटी का एडवांटेज उठाना पॉसिबल हो पाता है। कुल मिलाकर गंगा प्लेन्स में एग्रीकल्चर इस पूरे रीजन की इकोनॉमी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है और कंट्री की फूड सिक्योरिटी को भी एंश्योर करता है। साथ ही इन प्लेन्स में फ्रेश वाटर की भी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी है, जो यहाँ पर सेटलमेंट को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है। हिमालय से निकलने वाली काफ़ी सारी मेजर रिवर ग्लेशियर्स मेजोरिटी पॉपुलेशन की वाटर नीड्स को पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलने वाली गंगा रिवर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल से गुजरती है और फाइनली बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। लेकिन उसके पहले इन सभी स्टेट्स में रहने वाली पॉपुलेशन की वाटर नीड्स को यही रिवर पूरा करती है। इसी तरह उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना रिवर, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, इस पूरे रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रामगंगा, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, दामोदर, चंबल, बेतवा, टोंस और नर्मदा जैसी कई सारी रिवर्स भी काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नॉर्थ इंडिया के इस हिस्से को जब रेस्ट ऑफ इंडिया से हम कंपेयर करते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि आखिर क्यों मेजोरिटी पॉपुलेशन इस रीजन में रहना पसंद करती है। रेस्ट ऑफ इंडिया में मेजॉरिटी हिस्सा साउथ इंडिया में ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और सतपुड़ा रेंजेस से घिरा हुआ डेक्कन प्लेटू कवर करता है। डेक्कन प्लेटू लावा से बना हुआ प्लेटू है जिसका मेजॉरिटी हिस्सा इनफर्टाइल है। इन हिस्सों में एग्रीकल्चर काफी लिमिटेड होता है और इसी वजह से बेसिक फूड क्रॉप्स के लिए भी इस रीजन के लोग दूसरे स्टेट्स पर निर्भर हैं। दूसरा कारण है यहाँ का रेनफॉल पैटर्न। दरअसल साउथ वेस्ट मानसून विंड जब इंडिया में बारिश लेकर आती हैं, तो इंडिया के सदर्न टिप की शेप की वजह से ये विंड्स दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल से भारत में एंटर करती है, तो वहीं दूसरी ब्रांच अरेबियन सी की तरफ से भारत में प्रवेश करती है। अरेबियन सी से एंटर करते समय भारत के इन विंड्स का सामना होता है वेस्टर्न घाट से। ये विंड्स वेस्टर्न घाट को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाती और इसलिए वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप पर यानी विंडवर्ड साइड पर ही ये अपना मेजॉरिटी मॉइस्चर लूज कर देती हैं। दोस्तों, विंड्स जिस साइड पर माउंटेन से टकराती हैं उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, वहीं उसके ऑपोजिट साइड को लीवर्ड साइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड पर मौजूद है मुंबई शहर, जहां पर मानसून में इसी कारण की वजह से भारी बारिश का सामना करना होता है। वहीं वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड पर मौजूद है डेक्कन प्लेटू, जहां मानसून में रिलेटिवली लोअर रेनफॉल देखने को मिलती है। लो रेनफॉल की वजह से डेक्कन प्लेटू के रीजन में ग्राउंड वाटर की भी कमी है, जिस वजह से यहाँ बेसिक नीड के लिए भी एडिक्वेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं है। तीसरा कारण है पेरेनियल रिवर्स की एब्सेंस। पेरेनियल रिवर्स ऐसी रिवर को कहा जाता है जिनके सोर्स से ऑल ओवर द ईयर पानी आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लेशियर से निकलने वाली सभी नदियाँ पेरेनियल रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें सोर्सेज से पूरा साल पानी मिलता रहता है। वहीं साउथ इंडिया में हाई टेम्परेचर्स के कारण ग्लेशियर्स मौजूद नहीं है। ग्लेशियर्स ना होने की वजह से यहाँ पेरेनियल रिवर्स भी नहीं है और यहाँ पर सभी मेजर रिवर्स सीजनल नेचर की होती हैं, जो अपने पानी के लिए रेनफॉल पर डिपेंडेंट होती हैं। रेनफॉल पर डिपेंडेंट होने की वजह से जिन एरियाज में ज्यादा रेनफॉल होती है वहाँ के रिवर्स को फ्लड की मार झेलनी पड़ती है। वहीं जिन एरियाज में कम रेनफॉल होती है वहाँ की नदियों में पानी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। सीजनल नदियाँ होने की वजह से इनमें पानी का वॉल्यूम भी ग्लेशियल नदियों के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसी कारण से जो स्टेट्स अपनी वाटर नीड्स के लिए इन रिवर्स पर डिपेंडेंट हैं, उनके बीच डिस्प्यूट्स लंबे समय से चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, कावेरी नदी के पानी के लिए कावेरी रिवर डिस्प्यूट शुरू हुआ और इसके लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के बीच घमासान युद्ध सालों से चल रहा है। इस रीजन में इतनी पॉपुलेशन होने का एक बहुत बड़ा रीजन क्लाइमेट भी है। आप इंडिया के मैप पर देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आने वाला हिस्सा टेम्परेट जोन का पार्ट है, तो वहीं इसके साउथ में आने वाला पूरा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन का पार्ट है।
टेम्परेट जोन में आने की वजह से इस रीजन में साल भर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है, यानी फार्मर्स पूरे साल अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स की फसल को उगा सकते हैं, जिसके लिए काफी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। टेम्परेट जोन में नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी समर्स यूजुअली वार्म होती हैं और विंटर्स कूल होती हैं। इस कारण से वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल और पोरल रीजन्स की तरह एक्सट्रीम टेम्परेचर की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। टेम्परेट जोन में पाई जाने वाली सॉइल न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होती हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल के न्यूट्रिएंट रिच होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इस हिस्से में काफी लंबे समय से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, जिसने ओवर द टाइम सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना दिया है। टेम्परेट जोन का ग्रोइंग सीजन भी काफी लंबा होता है, यानी क्रॉप्स के पास मैच्योर होने के लिए ज्यादा समय अवेलेबल होता है। इसके ऑपोजिट ट्रॉपिकल जोन में ग्रोइंग सीजन डे की लेंथ शॉर्ट होने की वजह से काफी शॉर्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रीजन में ज्यादा बारिश भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में तो हेल्प होती ही है, साथ ही ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती। और जैसा हमने पहले देखा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स दो ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं, तो ये दोनों ही ब्रांचेस इसी रीजन में आकर एक दूसरे से मिलती हैं। जब इन दोनों ब्रांचेस की विंड्स कंबाइन हो जाती हैं, तो उस पूरे नॉर्दर्न हिस्से में जमकर बारिश होती है। साथ ही इन मानसून विंड्स के लिए नेचुरल बैरियर के रूप में काम करने वाला हिमालयाज भी इस रीजन में मौजूद है। जब ये मानसून विंड्स इस हिस्से से गुजरती हैं, तो हिमालयाज से टकराने के बाद वो हिमालयाज की विंडवर्ड साइड पर रुक जाती हैं। अगर हिमालयाज प्रेजेंट ना होते, तो ये मानसून विंड्स इंडिया को क्रॉस करके चाइना की तरफ चली जाती और वहां पर बारिश करती। लेकिन हिमालयाज की वजह से ये विंड्स भारत की तरफ ही रुक जाती हैं और इस हिस्से में बारिश करती हैं। दोस्तों, भले ही इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक पार्ट में सेटल्ड हो, लेकिन भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक रियलिटी है। लार्ज पॉपुलेशन को कई बार एक कंट्री की स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन का मतलब होता है लार्ज वर्कफोर्स और लार्ज कंज्यूमर बेस, और ये दोनों चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन यंग और डायनेमिक है, जिसका यूज करके एक वाइब्रेंट और इनोवेटिव सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि इस डेमोग्राफी का फायदा उठाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ की वजह से इंडिया के लिमिटेड रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर इमेंस प्रेशर भी पड़ रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनएडिक्वेट हाउसिंग और सैनिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन भारत के लिए एक वरदान हो सकती थी, वही अब 21st सेंचुरी में इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। इंडिया ने डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में तेजी से कदम बढ़ाए हैं, पर अब जरूरत है कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन चैलेंज को इफेक्टिवली एड्रेस करें। थॉटफुल प्लानिंग, टारगेटेड पॉलिसीज और कलेक्टिव एफर्ट्स के जरिए इंडिया अपनी डेमोग्राफी का फायदा उठा सकता है। हालांकि इस पूरी जर्नी में काफी लंबा समय लगेगा, पर अभी से मीनिंगफुल स्टेप्स लेकर ग्रोइंग पॉपुलेशन के एडवर्स इफेक्ट्स को इंडिया मिटिगेट कर सकता है, ताकि एक प्रॉस्परस, इक्विटेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू मिटिगेट द चैलेंजेस पोस्ड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।